खबर अम्बेडकर नगर जनपद से, जहां विधानसभा कटेहरी रामदेव जनता इंटर कॉलेज में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में आम जनता को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने घोषणाओं की झड़ी लगा दी। डिप्टी सीएम ने तकरीबन 152 करोड़ की लागत से विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। अपने संबोधन में जहां डिप्टी सीएम ने आम लोगों को विकास के नए स्वप्न दिखाए, वहीं विरोधियों पर भी जमकर हमला बोला। डिप्टी सीएम ने कहा, अभी भी कुछ अधिकारी सपा और बसपा की मानसिकता के हैं, जिनको सुधारने की जरूरत है। अग्नि देव से हम सब प्रार्थना करें, उनसे आशीर्वाद मांगे कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी का राजनीतिक ये जो स्वागत सौ सौ बार आपका सौ सौ बार ये अभिनंदन स्वागत 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 योगी के सोमारिया मोदी योगी के सोमारिया मोदी योगी के सोमारिया। अग्नि देव से हम सब प्रार्थना करें, उनसे आशीर्वाद मांगे कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी का राजनीतिक ये जो स्वागत सौ सौ बार आपका सौ 22 के विधानसभा चुनाव में 100 में 60% वोट हमारा है। कितना? 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है, 40 में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा। हमने कोई भेदभाव नहीं किया है। घर से जाएगा ऊपर सपा बसपा कांग्रेस को, यद्यपि सपा बसपा कांग्रेस का लोग जानते हैं कोई भविष्य नहीं है, और जब कोई भविष्य नहीं है तो उनको वोट देकर के बर्बाद नहीं करना। एक और सवाल हम कर रहा हूं, आप सब याद रखना, अम्बेडकर नगर के मेरे कार्यकर्ताओं, मेरे भाइयों बहनों, अम्बेडकर नगर के वासियों, सर 2018 विधानसभा चुनाव में आप भाजपा की वजह से शांति बने थे और पिछड़ों को आपने जोड़ा था और इस बार अखिलेश पिछड़ों को जोड़ रहे हैं, तो ऐसे में अखिलेश क्या होगी, आप साथी रहेंगे या रस्सी बनेंगे? अखिलेश यादव जी का जो है, मैं आपको बता दूं, उनको तो मैं अब अखिलेश श्री अखिलेश यादव नहीं कहता हूं, उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। लेकिन वह पिछड़ों के नाम पे जो भी थोड़ी बहुत राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं कि अवसरवादिता कहा जाता, अगर पिछड़ों के लिए उनके मन में कोई सम्मान होता तो 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत में थी और उन लोगों को स्थान देते जिनको इस समय स्थान देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ विश्वास रखता हूँ कि पिछड़ा ना उनके साथ 2014 के बाद से गया है और ना 2022 के बाद भी जाएगा। हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं। मथुरा के एक ट्वीट ने पूरा भूचाल ला दिया है। देखिए हम लोग तो अयोध्या मथुरा काशी सबका विकास कर, धन्यवाद। भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार प्रशासन का दावा किया जा रहा है, तीनों से तब्बीर ऐसी आई है कि भाजपा विधायक यहाँ उद्घाटन कर रहे हैं और नारियल छोटे बड़ा टूट जा रहा है। समझ लो, पहले हम ये नहीं कर रहे हैं कि हमने सारा समाप्त कर लिया, सारा काम खत्म हो गया, फिर हम काहे लिए सरकार में आना चाहते। अभी कुछ गड़बड़ सपा बसपा कांग्रेस मानसिकता के लोग बचे, अभी उनसे भी मुक्त कराएंगे, आपको ऐसा सुशासन देंगे कि कमल के फूल